नमस्कार दोस्तों, श्री गंगानगर शहर के श्री करणपुर इलाके से बड़ी खबर। श्री करणपुर गुरुद्वारा सिंह सभा के सामने स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां छोटी छोटी बच्चियां शिक्षा लेने के लिए आती हैं, उसी स्कूल के अंदर रात को लगती हैं सब्जी की रेड़ियां। स्क्रीन पर आप 18 मई रात को 10:39 की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि स्कूल का स्टाफ इन सब्जी संचालकों पर इतना मेहरबान हो गया कि स्कूल की चाबियां सब्जी चालक को दे डाली। रात के 10:30 के बाद स्कूल का गेट खुलता है और अंदर खड़ी हो जाती हैं सब्जी की रेड़ियां। सुबह 6 वापस निकाल ली जाती हैं यह सब्जी की रेड़ियां। आसपास कई सब्जी की दुकानें हैं। जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने गोदाम खरीदे हुए हैं, जिसका किराया 5,000 से 8,000 मासिक देना पड़ता है। इस स्कूल स्टाफ का इतना मेहरबान होने का कारण सिर्फ यही है कि स्कूल के मुख्य पदाधिकारियों को सब्जी फ्री मिल जाती है। यह रेड़ियां जो खड़ी होती हैं, इसमें सब्जी संचालक तो फ्री सब्जी देकर अपना किराया पूरा करता है और स्कूल स्टाफ की बनी हुई हैं मौजें। जैसा कि आप सबको पता है कि सब्जियों के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में फ्री सब्जी मिल जाए तो क्या बात है। रात के अंधेरे में श्री करणपुर में हो रहे हैं कांड और हमारे प्रशासनिक अधिकारी अच्छे से कर रहे हैं अपना काम। यह रेड़ियां पिछले 1-2 से इस स्कूल में खड़ी हो रही हैं, लेकिन आज तक किसी भी बड़े अधिकारी को इसका पता नहीं चला। खुलेआम चल रही है श्री करणपुर में धांधली। स्कूलों की हो गई छुट्टियां, अब इन्हीं स्कूलों में रात को पढ़ाई करती हैं सब्जियां। और ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।